इतनी सारी रिक्वेस्ट फॉर पोस्टिंग फुल व्लॉग्स ऑफ माय ब्रदर्स वेडिंग, सो हियर इट इज। सगन डे स्टार्ट्स विद माय मेहंदी। मुझे सुबह सुबह उठकर 7 बजे मेहंदी लगवानी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली जब सब मेहंदी लगवा रहे होंगे तब मैं नहीं लगवा पाऊंगी, क्योंकि तब सिद्ध्या होगी तो उसके साथ मैनेज करना इज डिफिकल्ट। तो इसलिए मैंने वैसे भी ये चाइनीज मेहंदी लगवाई है। ये ऐसे ना बिल्कुल इसे स्किन की तरह पील हो जाती है और इतना अच्छा कलर आता है। ऑल दो दिस इज टेम्प्रेरी, मतलब ये ज्यादा लंबी नहीं चलती। एंड देन हम गए सीधा वेन्यू पर, एंड देन स्टार्ट हुआ मेरा मेकअप एंड हेयर। ऑल दो मैं अभी भूत लग रही हूँ, बट वेट फॉर द फाइनल लुक। पहली बार किसी फंक्शन पे हम टाइम पर रेडी हुए थे, एंड मम्मा तो मेरे से भी पहले रेडी हो गई थी, एंड शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड आई विल बी वेयरिंग दिस। ठंड बहुत है इसलिए ब्लाउज को, एक स्टोन निकल गया। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरा एक स्टोन निकल गया ब्लाउज में से, बट दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि ऐसे उल्टे काम मेरी लाइफ में होते ही रहते हैं। तो मैंने जल्दी से एक जुगाड़ सोचा, ऐसे ही कोई डार्क कलर के इयररिंग्स को तोड़कर उसका स्टोन निकाल के ब्लाउज पे पेस्ट कर दिया। आई होप बस किसी को पता ना लगे। So we have two options accessories के लिए, एक तो ये, I guess इसमें ये मैं ज़्यादा मोरनी लगूंगी, मोरनी बनती है। Second option is this, जो मैंने थोड़े से लगा लिए, ये ही लगा लेनी चाहिए पूरी। Hello. Hello, how are you? Hi. I'm fine. I'm fine. I'm not fine. I'm fine. क्या? कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, इतने सारे इयररिंग्स के ऑप्शंस हैं कि पता ही नहीं लग रहा कौन से पहनूं। मैं इज माय सिस्टर, सारे लोग मेरे रूम में आ चुके हैं पर मैं तैयार नहीं हुई अभी तक। बट फर्स्ट हेयर से दैट आउटफिट। ज़्यादा रेड हो गया। जेनुइन पिंकी कश्मीरी बता दी। ओए सिद्धि हम 2 मिनट में निकल गए। मैं ना बहन जीजू जल्दी, भाभी के घर वाले सारे आ गए। इतनी जल्दी तैयार होने के बाद भी फिर भी हम लेट थे। गॉड, जीजू तो 2 मिनट में रेडी, बहन तो रह ही गई। आप एलियन लग रहे हो। ये पहनना चाहिए? नहीं ना, आई डोंट थिंक यार ये पहनना चाहिए। बहन चल ले। हाँ बस ये बताइए, ये पहनना चाहिए? नहीं नहीं क्या नहीं, तेरी ड्रेस नो, कुछ पतला सा है तो पहन दो। हस्बैंड टुक सिद्धिया अलोंग, तो मुझे ड्रेस लेके पीछे पीछे ऐसे भागना पड़ा। नंगे पैर लास्ट मिनट ऐसे क्लॉस तो क्रिएट होना ही होता है। We'll be right back.
यहाँ एवरीवन वाज लुकिंग फॉर मी और मैं मस्त अपना फोटो शूट करा रही थी। बस आज के परिवार के जमाई जो है वो विशेष खास है, इसलिए विशेष सम्मान। एकदम सिद्धिया की दीदी की आवाज आई कि शायद सिद्धिया उठ के तो हम भागे।